हर दिन करो योग, दूर भागेगा तुमसे रोग। ये सही बात है, नहीं है कोई संजोग। हर दिन करो योग। नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं TLR के साथ। आप सभी को बताती चलूं कि आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर सूर्य नमस्कार आर्टिकल राइटिंग पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया गया, जिसका नैतिक योग था। और आप सभी को बता दूं, कॉलेज के NSS यूनिट, NCC यूनिट और अन्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस प्रतियोगिता में GDC डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल और कॉलेज के बाकी टीचर्स भी मौजूद थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और साथ ही में रोजाना योग करने की भी सलाह दी। बच्चों को इनाम से भी नवाजा गया। योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। योगा हमारी कई बीमारियों से दूर रखता है और हमें प्रतिदिन जो है योगा करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा राजपूत। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा। जैसे कि आज हम कुछ योगा कर रहे थे सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार जो योगी से बारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये हमें हर दिन करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जो हैं, हम योग नहीं करते हैं। योग करने से बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है योग करने से दूर भागती हैं। और हमें हर दिन योग करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जो हैं वो अभी भी बीमारियों का शिकार कर रहे हैं। अगर हम रोज़ाना योग करेंगे तो कुछ नहीं, मतलब हमारी बीमारी जो है वो दूर भी भाग सकती हैं। नमस्कार साथियों, मैं कैंडिडेट पवन कोतवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डिग्री कॉलेज डोडा से। आज हमारे महाविद्यालय के अंदर 21 जून जो हमारा योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष में ये सप्ताह जो है हम 21 जून के नेतृत्व में यानी कि योग को जो है डेडिकेट कर रहे हैं। इस हफ्ते में जो है हम योगा जो है आसन जो है उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं डेली रूटीन लाइफ में। इसके अलावा चार्ट मेकिंग कंपटीशन यहाँ हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है कॉलेज की ओर से रखे गए हैं, जिसकी प्रस्तुति बहुत से कैडेट्स बहुत से बच्चे जो है कॉलेज के रख रहे हैं, जिसमें हमने आज के अगर दिन के हवाले से बात की जाए बहुत बढ़िया तरीके से जो है इस प्रोग्राम को कंक्लूड किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा अंत में कि आप डेली एक्सरसाइज करें, डेली योग का जो है मतलब आसन करते रहें, ये आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। It gives me immense pleasure to see here the students performing the yoga. But मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, मैंने किसी का भी कोई सूर्य नमस्कार जो है वो सही नहीं लिखा। जब आप हाथ आगे लगाते हो, हाथ उठाने नहीं होते हैं। जहाँ पर आपके हाथ हैं वो हाथ वहीं पे रहने चाहिए, ठीक। नंबर टू, जब भी आप योगा करते हो आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। एक दो योगा है आसना है जो आप आंखें खोल के करते हो, अदरवाइज बाकी सभी में आंखें बंद होनी चाहिए। दैट मीन्स आप अंदर अंदर से उस परमात्मा को देख रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा है। मुझे ये किसी ने भी नहीं देखा, सारे लोग जो हैं वो आंखें खोल के ही कर रहे थे। और मेरा दिल करा मैं आगे आकर पहले एक आपको नमूना दूं, उसके बाद आपको, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा था इसलिए मैं आगे नहीं और मैं बोला भी नहीं। योग का पूरा फायदा सभी ने बताया और आजकल के दिन में बच्चे मैं आपको बताऊं ना, हम फिर वही अपनी नेचुरल लाइफ पे पास्ट की लाइफ पे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के हालात, आजकल की चीज, आजकल की स्ट्रेस जो है वो हर एक को खत्म किए जा रही है। तो स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए हमें योगा करना जरूरी है। और ये योगा जो आपने अभी कहा, जैसे अभी पवन ने कहा कि मैंने 10 से 15 किलो वेट लूज किया है, तो आप कर सकते हो नॉट बाय डूइंग वंस इन अ मंथ, ओके, यू हैव टू डू इट रेगुलरली, रोज करना है और करते ही रहना है। जो ही बीच में छोड़ दिया यू विल गेन योर वेट, ऑलराइट। सो बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे यहां पर आसना बनाए हुए थे। उस आसना के साथ साथ आप लोगों को बच्चे ये घर में ट्राई भी करना है,
और मुझे जो आज आप यहाँ पर लोग आए थे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने घर में कोई तैयारी की थी, वो वैसे ही है। आई थिंक पीछे सुमित जी यहाँ पर मेरे घर में योगा डेज भी चले हुए थे, क्या लोग ये लोग आते थे वहाँ पे? हमारे काउंसलर रमेश जी यहाँ पर करवाते योगा करवाते थे, ही इज एक्सपर्ट। योगा करना जो है ना, वो सही करो तो फायदा है, गलत करोगे तो इसका नुकसान है। For me to present vote of thanks on this occasion, as we are at the end of this yoga competition, today I take this memorable opportunity to put all my gratitude in the form of words. I would like to express my heartfelt gratitude to judges, namely Professor Akriti Parihar, Dr. Arjun Singh and Dr. Jagmohan Sharma for judging the today's event. I also express heartiest gratitude to my team member Dr. Arjun Singh for organizing this event in a very smooth manner. I once again thank Principal Sir for his strong backing, motivation and guidance for organizing this successful competition. I thank all the teaching, non-teaching colleagues for their contribution and support to today's event. I would also like to thank our NCC cadets, volunteers and other students for making it possible to organize this event and participated in different activities today. We see that only one girl has participated from girl side, so I think in future all other students should also participate, and especially girls should also participate. We have two other girls in this hall, they were also part of the morning session, they usually attended that session, but I don't know why they didn't participate today. I hope in future they will try to participate in such type of events. You have seen that the number of NCC cadets which were participating in today's event, their self-confidence, it goes on increasing. If you participate in different activities, day by day you polish yourself and you become a great personality with the period of time.